क्या है, फ्री सरफेस के अबाउट है, फ्री सरफेस के अबाउट। तो इसको थोड़ा मैं और एलोबरेट करता हूं, ठीक है। एलोबरेट मतलब होता है विस्तारित करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, विस्तारित करना करना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, सब इंजीनियर मैकेनिक का कॉन्सेप्ट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बता रहे हैं बाबू, किसी भी बॉडी एक कोई है, अगर सेंटर से पास कर रहा है, इसके सेंट्रोइड जी से पास कर रहा है, और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, उसको आईजी बोलते हैं, ठीक है ना, आईजी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंट्रोइड। लेकिन अगर इससे पास कर रहा हो, अगर ये मतलब अगर ये बॉडी इसी के अबाउट घूम रहा हो, इसी के अबाउट घूम रहा हो तो आईजी हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अबाउट घूम रहा हो, ये पूरा इसके चारों चक्कर मार रहा होगा, ठीक है ना, चक्कर मार रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसे कि जैसे ये है सेंट्रोइड है, जैसे सेंट्रोइड है, अगर इसके और सेंटर यहाँ ये अगर ये देखिए ना किसके आउट घूम रहा है, इस एक्सिस के आउट घूम रहा है, ये बीच में सेंटर है, तो अगर इसके आउट घूमेगा तो आईजी कहलाएगा, आईजी, ठीक है, इस तरह से घूमेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कहीं भी घूमेगा, चाहे यहाँ से हो, यहाँ इस तरह से हो, और यहाँ से ऐसे जो घूम रहा हो, ऐसे जो घूम रहा हो पंखा की तरह राजा महाराजा की तरह, या इसके अबाउट घूम रहा हो, ऐसे घूम रहा हो, तो ये आई नॉट कहलाएगा, ठीक है ना, आई नॉट मतलब सेंट्रोइड के अलावा कहीं भी घूमेगा तो आई नॉट होगा। तो आई नॉट बराबर क्या होता है बाबू, आई नॉट बराबर क्या होता है कि आई जी आप प्लस ए एच या ए आर स्क्वायर कह दीजिए, ए आर स्क्वायर। ए आर क्या होता है, ए हुआ जहाँ इसका एरिया, और आर क्या होता है, इसका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आई नॉट बराबर क्या हो गया, आई नॉट बराबर क्या हो गया, आई जी या प्लस ए आर स्क्वायर, वही यहाँ पुट कर देना है, तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ लेकिन आई नॉट क्या होगा, फिर ध्यान देना है, आई नॉट क्या होता है, जो सेंट्रोइड से पास करे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो, और प्लस इसका एरिया एन टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ समझना है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई नॉट क्या हो जाएगा, तो आई जी यहाँ भी प्लस ए आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ठीक है ना, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब समझना है, ओके, ए आर स्क्वायर हो गया। अब ए आर स्क्वायर यहां समझना है कि यहां आई नॉट बराबर हो गया, आई जी तो हुआ, अब प्लस ए यहां आर के जगह, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो आर कौन सा डिस्टेंस हो, ये स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के लिए ये आर ये हुआ, यानी जिसके अबाउट घूम रहा है, कितना शिफ्ट किए हैं यहां, परपेंडिकुलर एच डिस्टेंस है ना दोनों के लाइन के बीच, तो ये लाइन है और इस लाइन के बीच कितना डिस्टेंस है, एच डिस्टेंस है, इसलिए एच स्क्वायर हो गया। मतलब ये h डिस्टेंस के और घूम रहा है, ये से इससे पास करता तो बाबू ये कहलाता ig और ये कहलाएगा i नॉट, ठीक है। तो ig ये हो गया और इसके यहां से यहां तक शिफ्ट किए हैं तो इसका एरिया a, तो इसके अबाउट घूम रहा है i नॉट, ये ig हो गया, ये i नॉट हो गया, यानी इसके सेंट्रोइड निकाल लीजिएगा, सेंट्रोइड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास कर रहा है वो हो जाएगा ig, और प्लस इसका एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला वैल्यू उस पर डाल दीजिए, ये वाला वैल्यू उस पर डाल दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो बाबू न्यूमेरिकल बहुत करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, तो यहां से देख रहे हैं कि एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा, आई जी के जगह पे, सॉरी आई नॉट के जगह पे ए एच स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा, बाई एच बार हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग और भी तोड़ देते हैं, आई जी आप बाई एच बार कह दीजिए, और प्लस, ठीक है, ये तोड़ सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, ये कुछ गड़बड़ हो गया रोजी, कुछ छूट गया, अच्छा हाँ ये ए छूट गया जी, ए यहाँ छूट गया, ये ए यहाँ नीचे आ गया, ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, वो छूट गया था ए यहाँ, इसलिए गड़बड़ क्या हो, ए हो गया। तो बाबू यहाँ ए ले लीजिए और यहाँ ए एच स्क्वायर आ बाई हो जाएगा एच बार, ठीक है। तो यहाँ से एच स्टार बराबर हो जाएगा आई जी आ बाई ए एच बार, और प्लस, प्लस हो ले लीजिए यहां से आपका ये आपका है एच बार ही होता है, एच एच बराबर एच बार ही होता है, तो यहां से आपका एच बार स्क्वायर हो गया, एच बार स्क्वायर एच बार हो गया, तो यहां से आपका एच स्क्वायर स्क्वायर कट गया, और ये भी तो एरिया नीचे में है, ए से कट गया, यहां से एच बार हो गया, ठीक है, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्चुअली में एच ही एच बार है, एच बार ही है डिस्टेंस है,
एक्चुअली हम गलती कर दिए थे, ठीक है। तो यहां से एच बार ले लीजिए, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, हम इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए फिर फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं बाबू, फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं। टोटल प्रेशर हो गया रो जी एच बार इंटू ए, याद रखिएगा एच बार, एच स्टार क्या हो जाएगा आई जी बाई ए एच बार। एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम